गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग मी सना फारूकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज है चांद रात, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाती हूँ चांद रात का। आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए और मुझे देखते रहिए। तैयारी चल रही है और कल ईद है तो मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर स्पा ले लो, क्योंकि यहाँ मेरे बाल इतने रफ और हेयर फॉल हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हेयर स्पा लिया जाए, तो मैं तो सदर के फेवरेट सलून पर आ गई हूँ। तो है ना, अब मेरा तो हेयर स्पा चल रहा है। आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़ रही है और मुझे देखते रहिए। और आप भी मेरे बहुत अच्छे से स्पा करिए कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएं, ईद अच्छी कट जाए मेरी। 5-10 दिन अच्छी मिलेगी, आप यहाँ टेंशन ना। मेरा हेयर स्पा हो रहा है एंड सदम जी का स्मूथनिंग चल रही है इन द प्रोसेस। एक्चुअली हम लोग दोनों ही आ गए बिकॉज ईद थी, तो सोचा हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो रहे थे मेरे, तो मैंने तो फिरोजाबाद से कटिंग भी लेकर ही आई थी, बट यहाँ मेरे बाल सारे बर्बाद हो गए। तो गाइस अब हम लोग आए हैं सलमान जी का कुर्ता पजामा लेने। पारस जी, पारस
शॉपिंग हो रही है, कुर्ता पजामा ले लिया है और ठीक है ले लिया सदा। क्या लिया दिखा, बाद में लगा लेना। कल ही तो फेयर करना है गाइस, हमारा ऑल्टर नहीं हुआ है, हमें कल ही सुबह मिलेगा। तो हम तो विवा के शोरूम से जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा सूट तो था, सदा पप्पी का सूट था ऑल्टरिंग के लिए, तो उनका नहीं मिला, मेरा तो ऑलरेडी फिट ही था तो मैं तो ले आई। So guys, ये हम जेल रोड मार्केट पर आ गए हैं। यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड मिलता है जो कि बहुत यमी यमी होता है। उस दिन सोया चाप मैंने यहीं से ली थी। सो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं मसाला डोसा और मैं आपको दिखाती हूँ। एक पनीर डोसा पैक है। अरे यार करेगा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप बताइए क्या क्या चांद रात ब्लॉग कैसा लगा।